नमस्कार मेरे दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैं किसी के घर गया था गीज़र लगाने के लिए। वो मैंने किचन में गीज़र लगाना था, तो जब मैंने किचन में फिटिंग देखी तो मुझे कुछ हंसी भी आई कि प्लम्बर किस प्रकार का काम करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक बात और, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये काम सही है जब गलत है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं क्या किचन में इस तरह की फिटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं गीजर के पॉइंट कहां पे हैं। हम तो इधर गीज़र लगाने आए थे, तभी मैंने देखा कि सिंगल सिंक की फिटिंग किस प्रकार की है किसी प्लम्बर ने। ये प्लम्बर होते हैं सिर्फ काम चलाने वाले और नुकसान करने वाले। अगर किसी ने मिक्सर लगवाना है तो क्या लग सकता है, मुझे बताएं ज़रा। कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों क्या किचन की फिटिंग इस प्रकार की जाती है। ये कनेक्शन रखा है गर्म पानी के लिए और ऊपर कनेक्शन रखा है ठंडा पानी के लिए, जो गीज़र के साथ कनेक्शन किए जाएंगे। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार का कभी काम नहीं किया, ना मुझे आता है। ये गलत काम है, ना कोई डिज़ाइन है ना कुछ भी। अगर किसी ने मिक्सर लगवाना है तो इस तरह मिक्सर नहीं लगेगा। दोस्तों मिक्सर लगाने के लिए हमें 6.5 इंची डिस्टेंस चाहिए होता है पॉइंटों में, और सिंक के ऊपर जो हाइट रखना है वो कोई 7 इंची रख लें तो बिल्कुल सही मिक्सर फिट होगा। तो गीजर के पॉइंट देखो किस प्रकार लगाए हैं। हमने क्या किया कि गीज़र तो लगाना था, किसी भाई ने हमें बोला कि गीज़र लगाने के लिए, तो हम गीज़र लगाने आए तो देखा कि ये क्या कर दिया है किसी ने, ये बिल्कुल ही गलत काम कर दिया है। तो हमने गीज़र तो लगा दिया और पीवीसी कनेक्शन हमने लंबे लेके आए, तो ये 3-3 फुट का गीज़र के लिए कनेक्शन लाया है, पीवीसी जो कनेक्शन होता है। तो हमने फिटिंग तो कर दी है, आप हमें बताएं क्या इस प्रकार किचन में फिटिंग की जाती है। तो हमें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि इस प्रकार का काम नहीं करवाना चाहिए, ना अच्छा है ना बढ़िया है। तो कभी भी आप ने काम करना है तो अच्छा और बढ़िया काम करवाएं, जो देखने में भी अच्छा लगे, लुक लगे। तो बिल्कुल ही बेकार काम किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गीजर के पॉइंट गीजर के नीचे होने चाहिए, जो कि प्लम्बर ने साइड पे रख दिए हैं और इतनी इतनी दूर रख दिए हैं कि कनेक्शन करना भी मुश्किल है थोड़ा। पर मैं यही समझाना चाहता हूँ, यही मकसद था कि इस प्रकार का काम बिल्कुल ना प्लम्बर करें। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी, आपको जो प्लम्बर द्वारा किया गया काम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।